वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि नोटिस या सर्कुलर जो है वो राइटिंग किस तरीके से किया जाता है। ये आज अपना एक चैप्टर है 12th क्लास का, कंपोजिशन सेक्शन का, उस पर अपन आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, नोटिस जो होता है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि नोटिस क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है। देखिए, हिंदी में नोटिस सूचना को कहते हैं, इंफॉर्मेशन। कोई भी सूचना जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडिविजुअल्स को या किसी कंपनीज को दी जाती है, सर्कुलेट की जाती है, वो क्या कहलाती है, कि सर्कुलर कहलाती है या फिर नोटिस कहलाती है। नोटिस का इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। डियर स्टूडेंट, नोटिस इज शॉर्ट कंपोजिशन। नोटिस जो होता है वो एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है, एक लघु लेख होता है, दैट टेल्स अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, जो ये हमें बताता है कि क्या घटित होने जा रहा है, क्या इवेंट जो है वो प्रोसेस में होने वाली है। सो दैट द लीडर्स कैन पे अटेंशन टू इट, ताकि जो भी जो पाठक हैं, जो भी इसको देखने वाले हैं, वो इस पर क्या कर सकें, अटेंटिवली ध्यान दे सकें, जो इसको नोटिस कर सकें। इट इज यूजुअली फॉर्मल इन स्टाइल। ये आपका जो नोटिस होता है, ये डियर स्टूडेंट स्टाइल में फॉर्मल होता है, ठीक है। ये इनफॉर्मल फॉर्मल कैटेगरीज के हिसाब से देखें तो ये फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू अनाउंस इवेंट। ये आपका जो नोटिस होता है, ये विस्तृत रूप से या तो किसके द्वारा यूज किया जाता है, इंडिविजुअल्स के द्वारा, व्यक्तिगत जो व्यक्ति विशेष होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है, या किसके लिए, टू अनाउंस इवेंट सेलिब्रेशंस ऑकेजंस, टू इश्यू पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, टू मेक अपील्स, टू एक्सटेंड इनविटेशंस ईटीसी। अर्थात ये जनता को किसी सेलिब्रेशन की सूचना देने के लिए, ऑकेजंस की, या फिर कोई निर्देश है उनकी, या फिर अपील जो है निवेदन करने के लिए, ये क्या किए जाते हैं, ये इंडिविजुअल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट संक्षेप में ये कहूंगा कि नोटिस जो होता है वो क्या होता है। नोटिस एक शॉर्ट फॉर्म होती है कंपोजिशन की, जिसमें हम रीडर्स तक हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारी जो सूचना होती है, हम उस सूचना को पहुंचाते हैं कि क्या घटित होने वाला है, या क्या अपील की जाती है, या जो रीडर्स होते हैं उनसे अपील जो की जाती है, या सेलिब्रेशन के सेलिब्रेशन जो होता है, उस सेलिब्रेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, वो किसके माध्यम से करवाई जाती है, नोटिस के माध्यम से करवाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं नोटिस। इसके बाद में डियर स्टूडेंट, नोटिस जो इंट्रोडक्शन है इसका, इंट्रोडक्शन लेने के बाद में आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बियर इन माइंड व्हाइल राइटिंग नोटिस। यानी हम जब नोटिस लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें हैं वो दिमाग में रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बियर इन माइंड व्हाइल राइटिंग नोटिसेस, यानी व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एनी नोटिस, देन व्हिच पार्टिकुलर पॉइंट्स यू विल हैव टू मेंशन एंड सर्कुलेशंस। आपको कौन कौन सी पॉइंट्स हैं वो सर्कुलेशन में मेंशन करने हैं, यानी कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो डियर स्टूडेंट, पहली बात, राइट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ऑफिस विद प्लेस इन कैपिटल लेटर। पहला काम जब भी हम नोटिस लिखेंगे तो उस नोटिस में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उस इंस्टीट्यूशंस का या उस ऑफिस का कैपिटल लेटर में प्लेस के साथ में नाम रखेंगे। सबसे पहला काम, पहली बात ये हमें ध्यान रखनी है। From where we are going to circulate any notice, यानी जिस organization, जिस institute से, जिस office से, जिस organization से हम notice को circulate कर रहे हैं, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उसका नाम capital letter में with place mention करना है। दूसरा, write the word notice just after first line in which you have mentioned the name of institute। Second काम आपको क्या करना है,
कि जिस लाइन में आपने इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन किया है, जहां से आप नोटिस को या सर्कुलेशन को सर्कुलेट कर रहे हो, उसके जस्ट बाद में कैपिटल लेटर में उसके ठीक नीचे आपको नोटिस वर्ड मेंशन करना है, केवल नोटिस वर्ड लिखना है। तीसरी बात, मेंशन द पर्पज ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस का पर्पज मेंशन करना है। टाइटल जिसको बोलते हैं, शीर्षक जिसको बोलते हैं, वो लिखना है किस शीर्षक के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं। और ये कहां रखना है पर्पज ऑफ द नोटिस, जस्ट आफ्टर द वर्ड नोटिस, यानी जो नोटिस वर्ड आपने लिखा है उसके ठीक नीचे वाली लाइन में आपको पर्पज ऑफ द नोटिस लिखना है, टाइटल ऑफ द नोटिस लिखना है। इसके बाद में डेट ऑफ डिस्प्लेइंग द नोटिस शुड बी क्लियरली रिटन ईदर एट द राइट हैंड टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द नोटिस। इसके बाद में आपको डेट, नोटिस डिस्प्ले करने की जो डेट है वो रखनी है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो उस दिन की जो डेट है वो मेंशन करनी है आपको। ये आप कहां पर रखोगे, टॉप ऑफ द बॉटम एट राइट हैंड, राइट हैंड में आप सबसे ऊपर ही ऊपर इस डेट को मेंशन करोगे। इसके बाद में डियर स्टूडेंट, आपको अगला जो पॉइंट है वो आप माइंड दिमाग में रखना, वो क्या करना है, आफ्टर ए लिटिल गैप राइट कंटेंट्स ऑफ नोटिस, फिर थोड़ा सा गैप लगा करके, यानी पर्पज ऑफ द नोटिस जो लिखा आपने, टाइटल जो लिखा है उसके थोड़ा सा गैप रख करके आपको फिर नोटिस का कंटेंट रखना है, नोटिस का जो विषय वस्तु है वो रखना है। और कंटेंट मस्ट नॉट बी मेंशनड इन 50 एंड 60 वर्ड्स मोर देन, कंटेंट जो है उसकी वर्ड लिमिट आपको 50 और 60 शब्दों से अधिक नहीं रखनी है, क्योंकि नोटिस में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसकी वर्ड लिमिट 50 टू 60 वर्ड्स ही होती है आपके एग्जाम के पैटर्न में। आफ्टर देन जब आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाए, जब नोटिस में जो कंटेंट है जिसको आप रख रहे हो वो पूरा हो जाए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ पर्सन गिविंग द नोटिस विद डिजिग्नेशन इन लेफ्ट कॉर्नर। आपको लेफ्ट कॉर्नर में जो पर्सन नोटिस ये दे रहा है, जो सूचना दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका नाम डिजिग्नेशन के साथ में लेफ्ट कॉर्नर में लिखना, यानी सूचना प्रेषित करने वाले व्यक्ति का लेफ्ट कॉर्नर में आपको नाम रख करके उसका डेजिग्नेशन लिखना है, उसका पद नाम लिखना है, उसकी रैंक लिखनी है। और जब ये काम पूरा हो जाए तो उसके बाद में आखिरी जो आपको दिमाग में रखने वाली बात है वो ये है, क्लोज योर नोटिस इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसमें उस नोटिस को रखना है, यानी एक आयताकार डिब्बे में उस नोटिस को रखना है, उसकी चारों तरफ आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। तो ये कुछ एक जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स, पहली बात एक बार रिव्यू कर देता हूं मैं जल्दी से। सबसे पहले हम उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे जहां से हम नोटिस सर्कुलेट कर रहे हैं, उस ऑफिस का नाम रख रहे लिखेंगे जहां से हम नोटिस सर्कुलेट कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे उस लाइन के जस्ट नीचे हम नोटिस वर्ड रखेंगे कैपिटल लेटर में। इसके बाद में हम तीसरे पॉइंट पर नोटिस का पर्पज मेंशन करेंगे, टाइटल मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम डिस्प्लेइंग ऑफ द डेट ऑफ डिस्प्लेइंग द नोटिस रखेंगे, नोटिस को डिस्प्ले करने की जो डेट है वो रखेंगे, किस दिन हम नोटिस सर्कुलेट कर रहे हैं उस दिन की दिनांक जो है वो मेंशन करेंगे, वो इधर एट द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों में से कर सकते हो, बट इट वुड बी बेटर टू यूज एट राइट हैंड, बेटर रहेगा कि राइट हैंड में रखें टॉप ऑफ द बॉटम। इसके बाद में नेक्स्ट आफ्टर अ लिटिल गैप राइट कंटेंट, वो जो पर्पस लिखा है, जो टाइटल लिखा है उसमें थोड़ा सा गैप रख करके आप कंटेंट रखें, और कंटेंट की जो वर्ड लिमिट है वो मस्ट नॉट बी 50 टू 60 वर्ड्स, वो 50 से 60 शब्दों में से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राइट द नेम ऑफ पर्सन गिविंग द नोटिस विद डेजिग्नेशन इन लेफ्ट कॉर्नर, एट द एंड ऑफ यू विल हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन हु आर गिविंग द इंफॉर्मेशन, वो व्यक्ति जो सूचना दे रहा है उसका आपको क्या करना है, नाम मेंशन करना है और विद डेजिग्नेशन करना है, कहां करना है, इन द लेफ्ट कॉर्नर में मेंशन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको क्या करना है, टू बियर इन माइंड व्हाइल राइटिंग नोटिस, जो नोटिस लिखते समय आपको दिमाग में रखने हैं। इसके बाद में डियर स्टूडेंट हम चलते हैं सैंपल नोटिस फॉर टू कैंप फेयर।
इसके बाद में देखिए नोटिस से अलग अलग वे में लिखे जाते हैं। पहले एक सैंपल लेते हैं अपन, किस कौन से नोटिस का, उस नोटिस का जो टूर के लिए लिखा जाता है, जो कैंप के लिए लिखा जाता है, जो फेयर मेले के लिए लिखा जाता है, जो एग्जीबिशन के लिए लिखा जाता है, प्रदर्शनी जो होती है उसके लिए लिखा जाता है, फिर या फिर एनी प्रोग्राम जो होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है उसके लिए लिखा जाता है। तो उसके लिए हम जब भी कोई नोटिस से ड्राफ्ट करेंगे, नोटिस सर्कुलेट करेंगे, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स उसमें हमें इंक्लूड करना है, कौन कौन से पॉइंट्स सबमिट करना है उसमें। तो डियर स्टूडेंट, द फॉलोइंग वैल्यू पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ नोटिस। ये जो इस टाइप का नोटिस होता है उसमें हमें ये पॉइंट्स सबमिट करना है, इंक्लूड करना है। क्या करना है, पहला नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर, वो बात मैंने आपको पहले भी बताई, अभी जो जनरल इंस्ट्रक्शन दी थी उसमें बताई थी। सबसे पहला काम हम उससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजर का नाम लिखेंगे इन कैपिटल लेटर विथ प्लस। डियर स्टूडेंट, आफ्टर देन नेम एंड नेचर ऑफ द एक्टिविटी, ऑकेजन, इवेंट मेंशन करेंगे, यानी किस टाइप का जो नोटिस है उसकी प्रकृति क्या है, उसकी एक्टिविटी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उस ऑकेजन की प्रकृति क्या है, इवेंट की प्रकृति क्या है, उसका नाम लिखेंगे, आई मीन टाइटल मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वेन्यू मेंशन करेंगे। आफ्टर देन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है उसका वो मेंशन करेंगे। इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवानी है वो रखेंगे। अवेयरनेस के लिए कोई भी उसके लिए हमें लिखना है तो वो लिखेंगे। अपील करनी है तो वो रखेंगे। इनविटेशन देना है, कोई आमंत्रण देना है तो वो हम उसमें रखेंगे इस टाइप के नोटिस में। फिर उसके बाद में हम डेट मेंशन करेंगे, टाइमिंग जो भी है वो रखेंगे, एक्सपेंडिचर जो भी खर्चे हैं, चार्जेज हैं या एंट्री फी वगैरह जो है वो इसमें मेंशन करेंगे। और इतना होने के बाद में आखिर में हम कंक्लूजन्स रखेंगे। तो यहाँ पे पहला काम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे, उसके बाद में टाइटल रखेंगे, वेन्यू रखेंगे, फिर नोटिस का उद्देश्य क्या है हमारा, किस लिए हम वो रख रहे हैं, क्या सूचना देना चाह रहे हैं वो रखेंगे, अवेयरनेस क्या देना चाह रहे हैं वो रखेंगे, अपील क्या करना चाह रहे हैं वो रखेंगे, फिर किस डेट को, किस टाइम को ये जो इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे वो रखेंगे, एक्सपेंडिचर क्या होगा उनमें, खर्चा क्या होगा, चार्जेज क्या लगेंगे या फिर एंट्री फी वगैरह जो क्या रखेंगे वो मेंशन करनी है। यानी आपको इस टाइप के जो भी नोटिस जो आप लिखने जा रहे हो तो उसमें ये रिलेवेंट पार्टिकुलर्स फिलअप करने हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, वैल्यू पॉइंट्स हैं वो आपको यूज करना है। और आफ्टर दैन एट द एंड ऑफ यू विल हैव टू मेंशन हियर द कंक्लूजन ऑफ द नोटिस, आप आखिर में थोड़ा सा उसका कंक्लूजन रखना है। और व्हेन यू आर गोइंग टू फिनिश योर कंक्लूजन देन यू विल हैव टू यूज योर अप्लाई द नेम विद डेजिग्नेशन इन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। अब देखिए ये थोड़े से इस टाइप के जो नोटिस है उनके लिए वैल्यू पॉइंट्स हैं आपको मैंने बताए। अब अपन चलते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं, इस टाइप का एक नोटिस लिखते हैं किसके लिए, टूर के लिए, कैंप के लिए, फेयर के लिए, एग्जीबिशन के लिए, प्रोग्राम के लिए जो नोटिस लिखे जाते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए सैंपल लेते हैं अपन। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम कोई नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहला काम हम उसमें ये करेंगे कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम ऑफ द ऑफिस मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर ये स्कूल से लिखा जा रहा है नोटिस, तो हम सबसे पहले इसमें स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में मेंशन करेंगे, लाइक दिस टैगोर पब्लिक स्कूल अजमेर। ये हमने क्या कर दिया, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन रखा। आफ्टर दैट इसके जस्ट नीचे हम एक लाइन का स्पेस छोड़ते हुए क्या रखेंगे, नोटिस वर्ड रखेंगे कैपिटल में ऐसे, ठीक है। इसके बाद में अगली जो लाइन है अपने पास में नीचे वाली उसमें हम डेट मेंशन करेंगे ये इस तरीके से, कहां पर, राइट हैंड कॉर्नर में। और इस डेट के नीचे वाली जो लाइन है उसमें हम क्या रखेंगे, पर्पज ऑफ द नोटिस रखेंगे, यानी टाइटल ऑफ द नोटिस रखेंगे, शीर्षक रखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्या रखा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑफिस रख दिया इसको, तो ये तो नेम ऑफ द ऑफिस आ गया, ये मैंने कैपिटल लेटर में नोटिस वर्ड रखी थी आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, ये क्या आ गया, नोटिस वर्ड आ गया। इसके बाद में ये क्या आ गया, यहाँ पे डेट मेंशन की मैंने, ये डेट आ गई अपनी यहाँ पे। इसके बाद में ये क्या आ गया, पर्पज ऑफ द नोटिस, पर्पज ऑफ द नोटिस आ गया। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक थोड़ा सा गैप रख करके कंटेंट जो है वो मेंशन करेंगे।
और यहाँ पर इस टाइप की जो नोटिस आप ड्राफ्ट कर रहे हो, इस तरीके के नोटिस लिख रहे हो, तो उनमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी है, और इंट्रोडक्टरी लाइन दैट तक की इस टाइप के इन नोटिस में सर्कुलेशंस में आपको यहाँ तक सब में एज द सेम रखनी है ये। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लाइन में लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इनफॉर्मड दैट, ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, और ये इंट्रोडक्टरी लाइन अपन सब में एज इट रख लेंगे। ओके, इसके बाद में हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी टूर के लिए पिकनिक के लिए जो भी सूचना देना चाह रहे हैं, वो सूचना यहाँ पर रखेंगे। तो पहला ये प्रोग्राम कब कंडक्ट किया जाएगा, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, कितनी तारीख को कंडक्ट किया जाएगा, कितनी तारीख को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो लिखेंगे। तो पहली लाइन में आ गया द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक टू पुष्कर लेक फॉर क्लास 11th एंड 12th, यानी यहाँ पे स्पेशली ये किस क्लास के लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो भी मेंशन करेंगे अपन, या कंप्लीट पूरी स्कूल के लिए भी कर सकते हैं ये। ठीक, कितनी तारीख को किया जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या रख दिया हमने, ये कंडक्टेशन ऑफ द डेट रखी हमने, यानी तारीख जो आयोजन की वो रख दी इसमें, इस तारीख को किया जाएगा। फिर इसके बाद में हम थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे क्लासेज को, कि द क्लासेज विल लीव एट 6 AM एंड रिटर्न एट 7 PM, यानी ये क्लास जो है वो कितने बजे प्रस्थान करेंगे स्कूल से, ये 6 बजे प्रस्थान करेंगे, और कितने बजे तक वापस लौटेंगे, 7 PM तक वापस लौटेंगे। और इसके बाद में स्टूडेंट्स शुड फॉलो द डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक निर्देश भी दिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, डिसिप्लिन और इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, ये बात हमने इसमें रख दी। इसके बाद में लास्ट में हम इनविटेशंस रखेंगे, इनविटेशन रखेंगे, आमंत्रण रखेंगे किसके लिए, those who are much interested, ये invitations इस टाइप के जो नोटिस होते हैं, सर्कुलेशन होते हैं, उनमें सेम होते हैं सब में, लगभग ये समान लाइनें होती हैं, यहाँ तक जैसे सब में एज इट आएगा इंट्रोडक्टरी लाइन, और ये बातें इन्विटेशन में भी लगभग एज ही आएगी, एक जैसी होगी। those who are much interested to join the picnic, यानी वे लोग, वे स्टूडेंट जो पिकनिक को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, गहरे इंटरेस्टेड हैं, should deposit 250 rupees each to the undersigned latest by 15th May 2021। तो वो क्या करें, वो व्यक्ति 250 रुपये के साथ में undersigned को 15 मई तक अपना नाम डिपॉजिट कर दें, अपना वो 250 रुपये डिपॉजिट करवा दें, कि अधो हस्ताक्षर करता, undersigned का मतलब अधो हस्ताक्षर करता, अधो का मतलब नीचे, हस्ताक्षर करता का मतलब लिखने वाला, तो नीचे जो हस्ताक्षर करता है ये, इसको आप 250 रुपये के साथ में 15 तक अपने नाम डिपॉजिट कर दें। और अंत में देखिए स्टूडेंट, हमने क्या क्या बताया था लास्ट में, हम नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर विद डेजिग्नेशन लिखेंगे, यानी ये तो नाम हो गया, ये उसकी डेजिग्नेशन हो गई, और इस तरीके से ये अपना नोटिस कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहला काम क्या, नेम ऑफ द ऑफिस लिखेंगे, दूसरा काम नोटिस वर्ड लिखेंगे कैपिटल लेटर में, ये एंट्रीज ओपनिंग में आपको करनी है, इसके बाद डेट मेंशन करेंगे राइट एंड में, फिर पर्पज ऑफ द नोटिस लिखेंगे जिसको हम टाइटल बोलते हैं, फिर थोड़ा सा गैप रख करके, फिर गैप रख करके क्या रखेंगे, कंटेंट रखेंगे, ये कंटेंट है इसमें, ठीक है, फिर कंटेंट दे देंगे यहाँ पे, और कंटेंट जब पूरा हो जाए तो उसके बाद में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जो होता है, सूचना देने वाला व्यक्ति होता है, उसका नाम मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, या सर्कुलेशन जो भी जारी करने वाला व्यक्ति उसका नाम है। तो इस तरीके से आपके नोटिस जो है वो इस टाइप के फ्रेम किए जाएंगे। एक बार फिर से बता दूंगा आपको, वापस देखिए, ये हमने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखा, ये कैपिटल लेटर में हमने नोटिस वर्ड लिखा, ये दोनों चीजें कैपिटल लेटर में लिखी जाएंगी, ये दोनों चीजें, ठीक है, फिर डेट मेंशन करेंगे अगले नीचे वाली लाइनों में, लाइनों के हिसाब से देखें, पहली लाइन में ये काम हमने कर लिया, पेज की कॉपी के पेज की पहली लाइन में ये काम किया हमने, कैपिटल लेटर में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन अलोंग विद प्लस लिख दिया। दूसरी जो लाइन होती है, एक लाइन का गैप छोड़ते हुए, ये एक लाइन का गैप छोड़ करके हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये नोटिस वर्ड लिख दिया, ठीक है, इसके बाद में ये डेट मेंशन कर दी, इसके बाद में पर्पज ऑफ द नोटिस ये टाइटल लिखा, और फिर ये कंटेंट आ गया, और ये फिर लास्ट में डेजिग्नेशन के साथ में
जो भी नोटिस से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है उसका नाम है लिख दिया। तो इस तरीके के नोटिस हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अपील वाला, ये तो मैंने टूर के लिए इनके लिए जो अपना नोटिस सर्कुलेशन है जारी किया जाता है वो बताया था आज। अब मैं अपील के लिए बता रहा हूँ, अपील के लिए किस तरीके से लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट, अपील के लिए जब भी हम कोई इनविटेशन सॉरी नोटिस लिखेंगे तो पहला काम तो वही करना है जो मैंने अभी पहले वाले में बताया था। इतनी एंट्री तो एज इट होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये चीजें, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हो गया, नोटिस वर्ड हो गया, डेट मेंशन कर दी, पर्पज ऑफ द नोटिस हो गया, नोटिस रिगार्डिंग कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के संबंध में ये नोटिस आपका। फिर ये इंट्रोडक्टरी लाइन होगी, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ दिस स्कूल आर हियरबाय इनफॉर्मड दैट तक। इसके बाद दैट से आगे हम ये कंटेंट जोड़ेंगे, ये कंटेंट है ठीक है। तो द न्यूज ऑफ पार्सियम टू कैसे जो कोरोना वायरस इन गोवा, वी वांट टू रिमाइंड स्टूडेंट्स, ये रिमाइंड है REMIND, रिमाइंड स्टूडेंट्स एंड स्टाफ दैट दे शुड फॉलो द फॉलोइंग ऑफिशियल डायरेक्शंस फ्रॉम पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, कि वो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के द्वारा डायरेक्ट जो प्रोवाइड करवाई गई जो डायरेक्शन है, दिशा निर्देश है, उनको फॉलो करें। पहला क्या, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली एंड वेल विथ सॉप एंड वाटर, पानी और साबुन से आप लगातार अपने हाथों को साफ करें। यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है उसको आप यूज करें। अवॉइड टचिंग योर आईज नोज और माउथ, अपनी आंख नाक और मुंह उनको छूने से आप बचें। इसके बाद में नेक्स्ट, कफ और स्नीज इनटू योर एल्बो, कफ और जो स्नीज आपको खांसी है ये छींक है तो आप अपनी कोहनी में उसको क्या करें, छींकें ठीक है, और कवर योर कफ और स्नीज, और अपने कफ और स्नीज को आप कवर करें। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विथ एनीवन शोइंग सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, बीमारी की श्वास संबंधित बीमारी के लक्षण रखने वाले जो हैं उनसे आप क्या करें, क्लोज कॉन्टेक्ट से बचें, उनके निकट संबंध से संपर्क से आप बचें, उनके पास न जाएं। स्टे होम इफ यू आर सिक एंड अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ अदर्स, और अगर आप बीमार हैं तो अपने घर पे रहें और दूसरे जो लोग हैं उनके कॉन्टेक्ट को अवॉइड करें, उनके साथ में संपर्क न करें। और आखिर में अपन क्या करेंगे, यहाँ सिग्नेचर मेंशन कर देंगे, वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है उसका नाम लिखेंगे, उसकी डेजिग्नेशन लिख देंगे। तो ये एक सर्कुलेशन आपका अपील टाइप का, ये निवेदन टाइप का अपील की गई आपसे ठीक है ना, ये आपको इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये आपसे अपील है। तो ये जो नोटिस होते हैं ये अलग अलग वे में लिखे जाते हैं, ये एक टूर के लिए लिखे जाते हैं, ये ओकेजन्स के लिए लिखे जाते हैं, प्रोग्राम के लिए लिखे जाते हैं, उनकी लैंग्वेज जो मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताई थी वो होती है। अपील वाले जो होते हैं उनकी इस तरीके से होती है ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली आपको जो बातें हैं मैंने बताई ना, वो बात याद रखने वाली बातें बस यही है कि आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेंशन करना है इसमें, उसके जस्ट नीचे एक लाइन का स्पेस छोड़ करके नोटिस वर्ड लिखना है, लेफ्ट राइट हैंड में आपको डेट मेंशन करनी है, फिर पर्पस ऑफ द नोटिस रखना है, टाइटल रखना है, इसके बाद में कंटेंट रखना है। कंटेंट डिपेंड करता है आपके राइटिंग स्किल पर, कंटेंट डिपेंड करता है आपके लिखने के कौशल पर, आपको ट्रांसलेशन कितने आते हैं, किस तरीके के आते हैं, किस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो आपको समझाने वाली बात थी वो यही थी कि यहाँ पे ये एंट्रीज आपको इस तरीके से करनी है। इंट्रोडक्टरी लाइन आपको दैट तक की मैंने बताई थी, ये सब में यूज करनी है। इसके बाद में अगर कहीं इनविटेशंस हैं, आमंत्रण हैं, तो फिर वो जो पहले वाले नोटिस में हमने यूज किया था ना आमंत्रण के लिए, कौन सा, ये लाइन उसमें हम मेंशन कर देंगे। फिर अगर आमंत्रण है तब तो फिर ये यहाँ ये लिखेंगे, दोज हु आर मच इंटरेस्टेड टू जॉइन द पिकनिक शुड डिपॉजिट 250 रुपीज इज टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 15th May 2021। और अपील वाले जो होते हैं तो उनमें ये लाइन नहीं लिखेंगे, अपील वाले में सीधा किस तरीके से लिखेंगे, अपील वाले में सीधा इस तरीके से लिखेंगे, जैसे ये
अपनी अपील हो गई और नीचे इंस्ट्रक्शन जो आपको दिए जा रहे हैं आप जिनका जिनको फॉलो करोगे वो लिख दिए जाएंगे और अंत में आपको क्या करना है, अंत में आपको जो सूचना प्रोवाइडर व्यक्ति है उसका लेफ्ट कॉर्नर में नाम और डेजिग्नेशन लिखना है और अंत आखिर में इसको क्लोज कर देना। तो आपका नोटिस जो है वो इस तरीके से सर्कुलेट किया जाएगा। अब देखते हैं एक नोटिस में आपको और लिख के बताता हूं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैं एजुकेशनल टूर के लिए लिख रहा हूं तो सबसे पहला काम इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, टूर के लिए बता रहा हूं मैं आपको पहले, एजुकेशनल टूर के लिए। तो यहां पे नाम लिखेंगे अपन राजस्थान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू। ये मैं एब्रिविटी लिख रहा हूं क्योंकि पूरा नहीं आया मेरे पास। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ करके हैं कैपिटल लेटर में, हालांकि कैपिटल में लिखना होता है, मैंने स्मॉल में लिख दिया, पर कोई इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि आप कैपिटल में स्मॉल में लिख सकते, पर नोटिस वर्ड जो है ये कैपिटल में जरूर लिखना है नोटिस। इसके बाद में अगली जो लाइन है उसमें यहां पर डेट मेंशन करेंगे, जैसे आज 23rd है तो 23rd मई 2021 ये अपनी डेट मेंशन कर दी हमने। इसके बाद पर्पस ऑफ द नोटिस लिखेंगे, टाइटल जिसको बोलते हैं हम, तो यहां पर लिख देंगे एजुकेशनल टूर। इसके बाद में डियर स्टूडेंट एक थोड़ा सा गैप रख करके यहां से हम इंट्रोडक्टरी लाइन लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए दिस इंस्टीट्यूट दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। इसके बाद में हम कंटेंट रखेंगे, सूचना देंगे जो भी हम प्रोवाइड करवाने के लिए, दैट एन एजुकेशनल टूर एन एजुकेशनल टूर फॉर जयपुर इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड ऑन डेट लिख दीजिए 25th मई 2021। फॉर ए क्लासेज भी लिख सकते हो या पूरी स्कूल के लिए लिख सकते हो, फॉर क्लासेज 12th साइंस, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे इट विल बी अ वीकली टूर, इट विल बी अ वीकली टूर। फिर प्रोग्राम ये टूर है कितने दिन का होगा ये लिख दिया। इसके बाद में हु विल गाइड इन द टूर, तो हिस्ट्री टीचर विल विल अकंपनी विद द टूर विद द टूर टू गाइड द स्टूडेंट्स। ये हमने सूचना दे दी। अब देखिए नेम इनवाइटीज करेंगे, आमंत्रण देंगे, आमंत्रण के लिए वही लाइन दोज हु आर मच इंटरेस्टेड
should give their name say along with RS 1200 per head 2 days undersigned. ठीक है, और इसके बाद में लेफ्ट हैंड में यहां पे सिग्नेचर है, जो भी नाम है दारा सिंह, और फिर रेजिग्नेशन लिख देंगे। तो ये आपका जो नोटिस है वो इस तरीके से सर्कुलेट किया जाएगा, इस तरीके से नोटिस आपको बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि नोटिस का जो टॉपिक है वो आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की क्यूरीज आपके मन में है तो कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।